हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स आने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स आने वाले हैं। द वर्ल्ड, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द बर्डन, ओके, ओके, तो आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स आने वाले हैं? सबसे पहली बात कन्फर्मेशन के साथ कि आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई इच्छा है आपकी या कोई सपना है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसका मैनिफेस्टेशन करने का जो तरीका है ना आपका, वो भी बड़ा बेस्ट है। कैसे मैं बता दूँ आपको कि हो सकता है कि कोई बात मैनिफेस्टेशन करने के पहले या मैनिफेस्ट करने के पहले आप ध्यान या योगा करते हैं और वो बड़े शांत मन से बहुत अच्छे से कर रहे हो, किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं रह रही है और ये मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से हो रहा है गाइस, और ये बहुत जल्दी आपका सक्सेस भी होगा। ये इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। और मैं ये भी बता दूँ कि ये मैनिफेस्टेशन आप कोई छोटी बात को लेकर नहीं कर रहे, बहुत बड़ी कोई विश है आपकी उसको लेकर कर रहे हो और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हो। ये बिल्कुल गाइस, बिल्कुल बिल्कुल आपके ये कह रहे हैं ना, इसका फ्रूट जो है आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। इसका कहते हैं ना आउटपुट, जो भी आपने मेहनत की है ना, इसका आउटपुट आपको बहुत जल्द मिलेगा, सक्सेस मिलेगी इसमें आपको, ठीक है ना। हो सकता है आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, से सॉरी आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है ना जी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया। एक बात ये है कि आप हो सकता है कि कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो या इसके बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आप कहीं विदेश जाकर सेटल होना चाहते हो, मे बी ये हो सकता है, और उसके बारे में सोच रहे हो कि क्या पता वहाँ जाके सेटल होने के बाद लाइफ कैसी रहेगी। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एकदम क्लियर कन्फर्मेशन है गाइस कि अगर आप बाहर जाकर सेटल होना चाहते हो या कोई काम को स्टार्ट करना चाहते हो तो ये चीज़ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ड्स ही बता रहे हैं कि आपको अपने जोन से बाहर आकर ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक्शन का भी कार्ड है कि कोई एक्शन लेना पड़ेगा या फिर कोई जो है ट्रैवल करना पड़ेगा ना,
तभी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है गाइस। और ये नई शुरुआत आपको सक्सेस तो दिलाएगी ही। आप काफ़ी सारे कंपटीशन को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, और कहीं ना कहीं मैं बता दूँ ना कि आपकी लाइफ में जो एक बर्डन है ना, एक नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी से आप बाहर आ रहे हो। आप मतलब एक शायद इच्छा रही है आपकी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो मेरी फैमिली मुझ पर गर्व करे, तो वो प्राउड, वो गर्व जो है आप फील करने वाले हो, मतलब आपकी फैमिली आप पर वो गर्व करेगी। आपकी सिचुएशन क्या है कि या तो आप बिल्कुल खाली बैठे थे, आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, और अब जब कोई अपॉर्चुनिटी में भी हो सकता है कि बाहर से आ रही है, विदेश से आ रही है, या फिर आप विदेश जाकर काम करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको इतनी ग्रोथ और सक्सेस दिलाएगी। यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन है गाइस, इसी बात का हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, और ये चीज़ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करने वाली है। आपको इतना पावर में लेकर आएगी बहुत कि आपका बहुत नेम, आपको बहुत नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, और सच कहूँ ना आपकी फैमिली आप पर बहुत प्राउड करने वाली है। जहाँ एक तरफ आपकी लाइफ कहते ना इतनी बर्डन बनी हुई थी, या कोई जिम्मेदारी थी उसको निभाने में आप इतने खुद को सक्षम नहीं पा रहे थे ना, अब ये देखो कहते ना डेस्टिनी ने आपको अपना ही आईना दिखा दिया कि आप कितने कैपेबल हो, और अब आप खुद हैरान हो जाओगे कि ओह माय गॉड, सच में इंसान में इतनी कैपेबिलिटी होती है लेकिन वो समझ नहीं पाते, इतनी पावर होती है वो समझ नहीं पाते। ये चीज किसी तरीके का कोई कॉम्पिटिशन को तोड़ते हुए आप नजर आ रहे हो गाइस। ये कॉम्पिटिशन किसी भी बात को लेकर हो सकता है, ठीक है। तो एक ये कि ट्रैवलिंग का यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं लग रही है, इवन मैं ये कहूँगी कि इंडिया से बाहर की ज़्यादा चांस लग रहे हैं, ठीक है। या फिर आप में से कुछ व्यूअर सोच रहे हैं कि शादी के बारे में, कि इंडिया से बाहर विदेश में अगर कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो यहाँ बता दूँ कि आप विदेश में सेटल होना चाहते हो तो यहाँ पर भरपूर संभावनाएँ लग रही है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर जैसा मैंने कहा ना कि किसी कंपटीशन को तोड़ते हुए, तो यहाँ पर देखो बड़ी विचित्र बात है कि हो सकता है कि आपसे कोई बहुत होड़ लगा रहे हैं, है ना। इतनी होड़ के मतलब हर चीज़ में आपसे कंपटीशन का मतलब कोई एग्ज़ाम के कंपटीशन के बारे में बात नहीं कर रही। नॉर्मली जैसे कुछ होते हैं ना कि हम कुछ करते हैं तो देख कर दूसरे लोग भी करना स्टार्ट कर देते हैं, या किसी इंसान को इरिटेट करना, पोक करना, तो वो वाली चीज़ें बार बार आपके साथ हो रही थी ना, आप कहीं ना कहीं मतलब आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि आप वो कंपटीशन को खुद ख़त्म कर रहे हो। अब ये कैसे कर रहे हो वो आप जानो, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी से अपनी कोई समझ से कोई ऐसा जुगाड़ या कहते हैं ना तरीका अपनाने वाले हो कि कहते हैं ना एक बार किसी की भूलती बंद कर देना। मतलब अच्छे वे में है, ये पॉजिटिव वे में है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो। कहते ना एक बार दुश्मन जो होता है ना हथियार डाल देता है कि अब आगे क्या बोले, अब आगे क्या करें, तो कुछ वैसे सिचुएशन आपके साथ होने वाले। मतलब एक थोड़ा जैसे बुरे वे में नहीं, एक अच्छे वे में, कोई अच्छा समझ से आप कुछ करने वाले हो। एक आपको मैं ये बात कहना चाहूँगी गाइस कि आप देखो यहाँ पर फिर से द एम्प्रेस का कार्ड आना, यानी कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि किसी ने कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको उतनी इज्जत नहीं दी जा रही जितनी इज्जत के आप हकदार हो, ठीक है। देखो यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस और किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पावर की बात कही जा रही है, कि जो इज्जत रेस्पेक्ट के आप हकदार हो, उतनी इज्जत रेस्पेक्ट आपको दी नहीं जा रही है, और आप परेशान हो इस बात से, एक बर्डन जैसा फील हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। या तो हो सकता है कि आपके बच्चे आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका दिल दुख रहा है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा धैर्य रखो, आप जो आपका ओहदा है या आपकी इज्जत रेस्पेक्ट है वो आपको मिलकर ही रहेगी। यहाँ पर एक नहीं दो कार्ड आए हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बात क्लियर शो हो रही है, जैसा यहाँ पर आया ना ये कार्ड द एम्प्रेस के बाद में ये फाइव ऑफ सोर्ड्स और ये सक्सेस का कार्ड, कि आपसे छीन कर कोई कुछ नहीं ले जा सकता। जो आपका है वो घूम घाम कर लौट कर आप ही के पास आना है। अब ये मैंने एक लाइन में बहुत सारी बातें बोल दी है, ये आपको समझना है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है ना। कोई कितना भी भड़का ले, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, घूम घाम कर आपके पास ही आएंगे।
तो इतना दिमाग में बर्डन लेकर नहीं रहना अब, ठीक है ना। वो रेस्पेक्ट जितना आप चाहते हो आपको मिलेगी, ठीक है ना जी। एक और बात बताना चाहूँगी गाइज यहाँ पर, कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई मैटर चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, ठीक है, और वो मैटर के बारे में मैं बता दूँ कि आप बहुत अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप अकेले फील कर रहे हो, बहुत बर्डन जैसा लग रहा है। और सच कहूँ ना तो ये चीज़ जैसे कमेंट्स में भी आए कि बहुत लंबे समय से चल रही है मैम, थोड़े थोड़े टाइम के बाद घर में कलेश की वातावरण जो है वो बन जाती है, कलह होता रहता है हर थोड़े टाइम बाद में, थोड़े दिनों बाद में। आपको मैं एक बात कहूँ कि अब देखो आपकी एनर्जी क्या है, आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, इस एनर्जी से बाहर आकर आप इसे एक एडवेंचर के रूप में ले रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि ये सिचुएशन जो भी है आपके घर में, इसको खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हो, आप इस सिचुएशन पर हावी हो रहे हो। मतलब कहते हैं ना दुख को दुखी आप करने वाले हो, अब दुख पर कहते हैं ना बर्डन आप डालने वाले हो, बर्डन का टोकरा कहते हैं ना वो दुख पर आप डालने वाले हो। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी कि आप जो अपनी लाइफ, आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है सच में, इतनी बैलेंस में आ रही है कि कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे हो कि अब मुझे इस प्रॉब्लम को खुद पर हावी नहीं होने देना है। जैसे एक तलवार हाथ में लेना है, पहले जैसे आपने फूल हाथ में ले रखा था तो उसकी कदर नहीं हो रही थी, तो आप अब तलवार लेकर बैठे हो कि अब मैं अपनी बाउंड्रीज में, मतलब अपनी रेस्पेक्ट को ना तो गंवाने दूंगी ना गंवाने दूंगा, और बता मतलब एक होता है ना कि एक बाउंड्री सेट कर लेने वाला, कर लेने वाली बात, ठीक है ना, कि उसके पार अब कोई नहीं आ सकता। ये सिचुएशन आपके, मतलब आप इस सिचुएशन में क्या कर रहे हो कि एनर्जी इतनी बैलेंस हो रही है कि आप इसे जो है ना बहुत हल्के में लेना चाहते हो अब, कि अब ये प्रॉब्लम मुझ पे हावी नहीं होगी, कैसे कि ये समस्या नहीं होकर मेरे लिए एक एडवेंचर है, अब मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करूँ। तो आपको सॉल्यूशन पर फोकस रहेगा और जितना हो सके उतना आप करने की कोशिश करोगे, वरना आपको पता है कि जो मेरे कंट्रोल के बाहर है वो मैं यूनिवर्स को सौंपूंगी या यूनिवर्स को सौंपूंगा, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रस्ट, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है ना, ठीक है, एक यूनिवर्स पर आपका ट्रस्ट जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना, एनर्जी कुछ ऐसी होने वाली आपके साथ कि आपके मन में थोड़ी खुशी फील होगी, आपको थोड़ा अच्छा फील होने लगेगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बर्डन जो है ना आपके मन में वो कम हो रहा है, कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है कि आपको फीलिंग अच्छे, मतलब अच्छा अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, और आपका मन भी कहीं ना कहीं ये आपको संकेत दे रहा है कि लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है या चीज़ें सुधर रही है और लौट कर घूम घाम कर आपके पास आनी है। आप अभी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की ओर ध्यान दे रहे हो कि मुझे अब किसी और के बारे में नहीं सोचकर खुद के बारे में सोचना है, और चीज़ें वहीं सुधरना स्टार्ट हो रही है। जैसे ही आप अपने बारे में सोच रहे हो ना, चीज़ें सुधरनी स्टार्ट हो रही है। कैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पर आए टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड, समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड और यहाँ पर टेन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, बिल्कुल विपरीत सिचुएशन। आप खुद देखो, ये मैं लेकर बताती हूँ आपको, ये देखो, मतलब एक बहुत, एक फैमिली का कोई मैटर तो मैं सच कहूँ ना बहुत बड़ा सुलझता हुआ नजर आ रहा है गाइस, और लगे आपको सुलझ नहीं रहा है तो उसमें मैं सच कह दूँ कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है और बहुत जल्द ये सुधरेगा। द वर्ल्ड का कार्ड आना डेफिनेटली, या तो कोई एक्शन लेने वाले हो आप, या फिर कुछ ऐसा यूनिवर्स अपनी रहमत बरसाने वाले हैं कि उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड मीन्स एक तरीके का बहुत बर्डन या दुखी कंडीशन, एक बोझ वाली कंडीशन कि चीज़ें सुधर नहीं रही है। ये देखो फैमिली का भी मैटर हो सकता है या मैरिज या रिलेशनशिप का भी हो सकता है ना, अपनी सिचुएशन के आधार पर समझना। और यहाँ पर बिल्कुल इसका उल्टा, क्या टेन ऑफ कप्स यानी खुशियाँ, हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में वापस होने वाली है, आप जो चाहते हो ना वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आ रही है, यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो क्यों स्ट्रेस करना जी। अब तो कहता ना दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे, तब सुख को मनाना। अब सच कहो ना तो अब अपने को इस तरीके से रेडी कर लो कि ये जो परेशानी है ये खत्म हो रही है, ठीक है ना। कर दो दुख को इतना दुखी कि ये कभी भी आपके लाइफ में ना आए,
या फिर इतने पॉजिटिव हो जाओ, मैं सच कहूँ ना, इतने सकारात्मक हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ कि अगर कोई और भी इंसान आपके सामने दुखी बैठा हो ना, उसको भी, उनको भी इतना सकारात्मक बना दो कि दुख खुद सोचे कि इनकी लाइफ में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि ये दुखी होने के बाद में भी और लोगों को भी पॉजिटिव बना रहे हैं, और लोगों को भी, कहते हैं ना, दुख का जो डर है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो दुख कभी भी घूमकर आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता, दुख को पता है कि आप उनकी अहमियत अपनी लाइफ से ख़त्म कर रहे हो। कर दो जी, बिल्कुल यूनिवर्स पर इतना ट्रस्ट रखो कि दुख की अहमियत अपनी लाइफ से ख़त्म कर दो, तो सब कुछ आपकी लाइफ में आप जैसा चाहते हो ना वैसा हो जाएगा। ठीक है ना, कोशिश करो। आपको 10-10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ये मैं बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको किसी मुद्दे को लेकर, जैसा यहाँ पर आया ना होड़, या कोई कंपटीशन भी हो सकता है कि उसको जीतते हुए आप नज़र आ रहे हो, यानी उसमें फतेह आपको हासिल हो रही है। ठीक है, एक जैसे सच कहो ना कि द वर्ल्ड का कार्ड आना और उसके बाद में ये सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड और ये 10-10 डेफिनेटली गाइस एक कोई बड़ा मसला सॉल्व हो रहा है और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, बिल्कुल जिसका इंतज़ार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। यहाँ एक मैसेज और आया है, वो मैसेज ये है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है, या फिर आप ध्यान योगा करते हो और आपको पता है कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि मेरी यात्रा कुछ अलग है, मतलब ऐसा अगर आपको फील हो रहा है कि यूनिवर्स ने मुझे इस धरा पर किसी विशेष काम के लिए भेजा है और आप कहीं ना कहीं खुद को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो उस प्रोसेस में आप एक कदम और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अब मैंने ये क्यों कहा, मैं ये भी बताना चाहूँगी। देखो, जो भी स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, तो उनको ये चीज़ें देखनी पड़ती है गाइस। दुख तकलीफ उनके लिए, उनकी लाइफ में ये समझ लो कि साथ में ही चलते हैं, क्योंकि जब आप इस चीज़ों को समझोगे, आपको खुद को किसी बात का एक्सपीरियंस होगा ना, तब आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाओगे कि उनको अपनी लाइफ में तकलीफ ना हो, उनके लिए ज़िंदगी कैसे आसान हो जाए। जब आपकी अवेकनिंग बहुत मुश्किल हुई है, बहुत मुश्किल, और सच कहो ना तो आपके अवेकन होने में बहुत लंबा समय निकला है गाइस, सालों निकले हैं आपके अवेकनिंग में। और आपकी अवेकनिंग कैसे हुई पता है, बताने की कोशिश करूँगी। आपकी लाइफ में जैसे ही दुख के पड़ाव आए ना, उन दुख के पड़ाव को आप जैसे जैसे पार करते गए ना, आप में एक और समझ विकसित होती गई और आपकी और एनर्जी जो है वो डेवलप होती गई, धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट होती गई, आपकी पर्सनैलिटी जो कहते हैं ना, एक कदम और आगे बढ़ जाना या और उभर कर सामने आना, आपकी समझ और विकसित होना, आप में से नकारात्मकता का निकलना, काफ़ी सारी बुरी आदतें आपने नोटिस की होगी कि आपकी लाइफ से निकली है। जो आपके अभी का जो व्यवहार है ना, अभी के व्यवहार में और आज से मान लो 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल के, 10 साल पहले के व्यवहार में रात और दिन का फ़र्क है गाइस, ये आप खुद नोटिस करना। सच कह रही हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, आप खुद नोटिस करना आपकी अवेकनिंग किस हद तक हुई है। ये जो मैंने टाइम पीरियड बताया ना, उसमें आपकी लाइफ बहुत चेंज हुई है। हालांकि ये पक्का है, ये मानती हूँ कि आपने दुख बहुत झेले अपने लाइफ में, लेकिन ये सारे कुछ हद तक तो मैं कहूँ ना कि आपके अवेकन होने के लिए ये चीज़ें होनी थी, जो जर्नी थी आपकी, है ना। तो अभी ये एनर्जी है आपकी कि आप अवेकनिंग के, कहते हैं ना, एक प्रोसेस और आगे बढ़ रहे हो, तभी तो आपकी ये एनर्जी है वो काफ़ी हद तक जो है बैलेंस में आ रही है। जैसे एक होता ना कि किसी इंसान के माथे पर हमेशा शिकन रहना, कोई कुछ कहे ना कहे लेकिन फिर भी गुस्से में कुछ ना कुछ सोचते रहना, सोचते रहना, आप कहते ना एकदम आपके चेहरे को देखकर किसी को पता चल जाता है कि कितने सुलझे हुए हो, बिल्कुल किसी तरीके का, कहते हैं ना, स्ट्रेस ही नहीं, एकदम न्यूट्रल हो जाना। तो वो वाली सिचुएशन आपके साथ होने वाली है, एकदम न्यूट्रल हो जाने वाले हो, कि कोई भी चीज़, कोई दुख, कोई समस्या अब आप पर हावी नहीं होने वाली है, कुछ परेशानी टच ही नहीं करने वाली आपको, क्योंकि आपको वैसा फील ही नहीं होगा उसके लिए कि ये परेशानी है या दुख है, एक एडवेंचर, ये यात्रा है। देखो ये और ये कार्ड,
अब आप खुद को अकेले कभी नहीं पाओगे, यूनिवर्स का सपोर्ट और ब्लेसिंग आपको हमेशा मिलती रहेगी और वो महसूस करोगे आप। और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स आने वाले हैं। जर्नी लिखा, मैंने कहा ना जर्नी है। ओह माय गॉड, ट्रैवल के पास में जर्नी का कार्ड आया, मीन्स कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली ट्रैवल की संभावना डेफिनेटली है गाइस। ओके ये रहा वेल्दी मैन। ओके थॉट्स, कोर्ट हाउस। ओके जी, तो देखो यहाँ पर ये पहले तो मैं वो ट्रैवलिंग के बारे में बता दूँ कि ये कंफर्मेशन आ गया है ना कि कहीं ना कहीं ट्रैवल की संभावना है, आपके डेफिनेटली ये ट्रैवल करने वाले हो आप, जिस बारे में आपने मैनिफेस्टेशन किया था उसी के बारे में आया है, ठीक है ना। अब चाहे ये आपके काम को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, जो भी हो, जो आपको आपने मैनिफेस्ट किया ये उसी के आधार पर ये आंसर आया है, ठीक है ना जी। दूसरा मैं बताने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर अगर आपका कोई इलीगल इशू चल रहा है और आप चाहते हो कि आप स्ट्रेस में हो कि किसी इंसान ने आपके साथ ऐसा झूठ बोला, देखो यहाँ पर एकदम क्लियर चीज़ें आई है गाइस, बिल्कुल कि किसी इंसान ने आपको आपके साथ गलत किया है या फिर आपके साथ झूठ बोला और उसके बाद में आपको ही अपराधी घोषित कर दिया गया सबकी नज़रों के सामने और आपको पता है कि आप दोषी नहीं हो, और आपने प्रे की है कि आपको इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए, आपको निर्दोष साबित कर दिया जाए, तो देखो यहाँ पर एकदम क्लियर आया है कि बिल्कुल जी आगे चलकर आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलने वाला है। एक कहता है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, यानी आपकी सच्चाई और किसी और का झूठ सबके सामने आ जाएगा। कोई आपके बारे में बहुत गौर से जो है बारीकी से आपकी डिटेल्स ले रहे हैं या बारीकी से आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ के कोई भी झूठे इंसान है ना, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर जस्टिस के बिल्कुल संभावना, यहाँ पर विक्ट्री का भी कार्ड आया ना, तो देखो ये कन्फर्मेशन भी है कि जस्टिस आपके पक्ष में होगा। चिंता नहीं करनी है और रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। ओके, एक यहाँ पर और मैसेज आया है, किसी ने कमेंट में मुझे पूछा था कि मैम कोई शादी को लेकर केस चल रहा है और बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए, कोई जस्टिस जो है वो उनको मिल जाए। तो यहाँ पर मैं एक बात कह दूँ कि आप पर बच्चों की जिम्मेदारी है और आप बच्चों का हित चाहते हो ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर एकदम क्लियर कन्फर्मेशन आया है, क्लियर कि जो जस्टिस होगा वो आपके पक्ष में ही होगा, आपको चिंता नहीं करनी और आपका बच्चों का भविष्य कहीं भी बर्बाद नहीं होने वाला, ठीक है ना। झूठे इंसान आपकी लाइफ से खुद ब खुद निकलेंगे, ठीक है ना जी, आपको अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा, आप बरी हो जाओगे, ठीक। ओके, तो इस रीडिंग में जो भी अच्छी एनर्जी आई है, पॉजिटिव एनर्जी आई है, उसको एक्सेप्ट करो, क्लेम करो और यूनिवर्स से प्रे करो कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द अच्छा करो और हमें खुशियाँ दो जिसके हम हकदार हैं, है ना, और हमारे साथ जस्टिस हो जाए, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।